आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोला गया कि एक मूविंग कॉल गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेक्टेंगुलर कॉइल की एरिया दे रखी है हमारे पास ठीक है एंड 150 फिफ्टी टन्स नंबर ऑफ टन्स दे रखा है वन पूरा टॉर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कनेक्टेड टू द कॉइल जो है वो कितना फाइव इंटू टेन पावर्स माइनस सेवन न्यूट्रोमीटर पर डिग्री ठीक है क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन थर्टी डिग्री होता है तो, तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाई इट इफ इट्स रेक्टेंगुलर क्वाइल इज इन रेडियल ओरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू थाउजेंड काउस ठीक है तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दे रखा है तो देखो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ठीक है ऐसा अरेंजमेंट होता है ये मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर का और इसमें क्या होता है एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसके ऊपर इस तरीके से रेक्टेंगुलर क्वाइल जो रहता है ऐसा कुछ ऐसा इसमें रहता है ये क्या हुआ ठीक है लेमिनेटेड रहता है और ये ऐसी रहती है तो ये जो क्वाइल हो ये रोटेट करता है ठीक है तो किसके कारण करता है जिस जो ये हमारे पास ये जो दोनों मैग्नेट होते हैं वो इस पर जो मैग्नेट टॉर्क जनरेट करते हैं उसके कारण ये रोटेट करता है ठीक है तो देखिए जो टॉर्क जनरेट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड बोला जा रहा है कि रेडियल है तो रेडियल है तो कुछ ऐसा होगा इस डायरेक्शन ठीक है ऐसी होगी तो रेडियली है तो जो टॉर्क अप्लाइड करे अप्लाई करेगा ये तो टॉर्क अप्लाइड ऑन द क्वाइल जो होगा टॉर्क अप्लाइड ऑन द क्वाइल वो कितना हो जाएगा वो होता है एन आई ए बी के इक्वल मतलब एन आई ए क्रॉस बी होता है ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये एन आई ए बी के इक्वल हो रहा है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है जो स्प्रिंग में स्टोर होगा रिस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग लगाएगा ठीक है वो कितना होता है तो इसकी जो टॉर्क कॉफिशियंट है दैट इज ये जो के दे रखा है और इन टू थीटा के इक्वल होता है ठीक है तो ये कितना रिस्टोर करेगा जितना ये मैग्नेटिक स्पेस अप्लाई करेगा उतना ही तो ये टॉर्क रिस्टोर करेगा दैट मीन्स अप्लाइंग टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा तो एन आई ए बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा के इंटू थीटा के इक्वल हो जाता है ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज दे रखी है तो इक्वल्स टू हमें करंट फाइंड करना है मैक्सिमम करंट तो देखिए मैक्सिमम की बात की जा रही है ठीक है तो ये इंटू थीटा अपॉन एन ए बी के इक्वल कर सकता है ये तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है टू टू द द पावर पावर दिस इज थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है थीटा की वैल्यू हमारे पास थर्टी डिग्री दे रखा है और ये भी पर डिग्री में दे रखा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे थर्टी पुट कर सकते हैं ठीक है नंबर ऑफ टर्न्स वन फिफ्टी दे रखा है एरिया हमारे पास क्वाल का कितना दे रखा है टेन टू दावर माइनस थ्री और मैग्नेटिक फील्ड टू थाउजेंड काउस दे रखा है ठीक है तो टू थाउजेंड काउस दे रखा है दैट मींस यहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है टू थाउजेंड गाउस तो इसको अगर टेस्ला में चेंज करोगे तो टेन टू दी पावर माइनस फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये टेस्ला में हो जाएगा मतलब जी टेस्ला हो जाएगा जाएगा ठीक है तो यहाँ पे और और ये में आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है है ठीक और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि करंट कितना होगा कॉइल में तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी थैंक यू मैक्सिमम क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटाप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर